हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। एक और बार आ गया हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 3055 बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, और जो भी उसमें आपकी कमी आती है, कोई भी फॉल्ट आता है आपके 3055 बोर्ड में, या आप 3055 बोर्ड घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसकी वायरिंग कर सकते हैं, या कोई भी आपके 3055 बोर्ड आपके पास ऑलरेडी से है उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको किस तरीके से आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास बोर्ड होता है 3055 का, बहुत ही कॉमन बोर्ड होता है, और लगभग 80% लोगों के पास 3055 का एम्पलीफायर या बोर्ड वो यूज़ करते हैं, उनको इसी की साउंड अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप कोई नया बोर्ड मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जो आपको वहाँ पर ध्यान लेते समय ध्यान रखनी है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर देखने हैं कि वो सही माउंटिंग है उनकी या नहीं है। मैंने ये वाला ये वाला बोर्ड लिया था फ्रेंड्स एक बार, तो इसमें क्या है, इसकी माउंटिंग ठीक नहीं हो रखी है। जो यहाँ BD 140 है और 139 है, इसकी माउंटिंग देख सकते हैं सीधी सीधी हो रखी है, और इस वाले बोर्ड में जो हमारा पुराना बोर्ड है इसमें देख सकते हैं किस तरीके से माउंटिंग कर रखी है। तो माउंटिंग की वजह से यहाँ पर साउंड क्वालिटी हमारी इसकी नहीं आ रही थी। तो अगर आप इसकी वायरिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छी तरीके से इसकी वायरिंग डाल दूंगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब समझा दूँ, यहाँ पर हमारे तीन जगह दी जाती हैं इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गोला कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो आप कोई भी PNP और NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किस तरीके से अटैच करना है, यहाँ पर बेस, कलेक्टर और एमीटर, ट्रांजिस्टर का बेस, फिर कलेक्टर, देन एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, इस तरीके से यहाँ पर हमारे ट्रांजिस्टर अटैच होते हैं। देन यहाँ पर जो हमारे ये तीन जगह होती हैं, यहाँ तीन पॉइंट होते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट चैनल और ये बीच वाला ग्राउंड होता है, और यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्म जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से ब्रिज मैंने हटा रखा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर हमारा 12 12 और यह 18 तक का यूज़ होता है इसमें, एटलीस्ट ज़्यादा 18 18 और 0 ग्राउंड में दे देते हैं हम। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी मोटी मोटी वायरिंग इस तरीके से होती है, बेस टेबल यहाँ पर सिंपल हो जाता है। तो इसकी जो वायरिंग है फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से घर पर कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, अगर जो फॉल्ट आपको मिलते हैं ज़्यादातर, इसमें क्या फॉल्ट आ जाता है फ्रेंड्स, अगर आप 3055 का बोर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या उस पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं, या कम ओम, जैसे कि मान लो कम ओम का या ज़्यादा स्पीकर एक चैनल पर लगा देते हैं, तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, हमारा ये जो ग्रीन रेजिस्टेंस है ये उड़ जाते हैं, या आपका ग्रीन रेजिस्टेंस उड़ेगा या आपका ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। ट्रांजिस्टर उड़ने के बाद क्या होगा, या तो आपकी जो आवाज़ है करके हमिंग सी आ रही होगी, एंड वहाँ पर आपका गेन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आउटपुट मिलेगा ही नहीं, और उससे क्या होगा, आपके जो ये ग्रीन वाले रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी ये हीट करने लगते हैं, ओवर हीट करने लगते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप देखिए शॉर्ट जो हमारा ट्रांजिस्टर हो जाता है उसको हटा दीजिए, नया लगा कर, और आप सबसे पहले नया भी लगा देते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर अगर हमारी जो वॉइस है वो भी नहीं मिलती है, तो उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ता है जो हमारी ट्रांजिस्टर है, ये शॉर्ट तो नहीं है, ये ट्रांजिस्टर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस है ये जो हमारे, ये शॉर्ट तो नहीं है, अगर ये शॉर्ट होते हैं तो इनको भी बदलना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसके जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करने हैं, देन हमारे जो रेजिस्टेंस है वो हमें चेक कर लेने हैं। रेजिस्टेंस हमारे 2 ओम के दिखाएंगे, 2 ओम से जैसे 1 ओम या 0 0 तक की वैल्यू जाती है आपकी, तो इसे हटा दीजिए, चेंज कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए, आपकी वॉइस की क्वालिटी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे कि लो साउंड आ रही है ट्रांजिस्टर लगाने के बाद भी बहुत ही लो साउंड आ रही है, तो इसको सबसे पहले इसको चेक कीजिए, अगर ये आपके ख़राब है इनको बदल दीजिए, तो आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद
बात आती है BD140, BD139, इनको भी चेक कर लीजिए। अगर आपका इस चैनल में फॉल्ट है तो कहीं ना कहीं ये इसके ट्रांजिस्टर में भी फॉल्ट आ ही गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। तो इनको चेक करने के बाद अगर इनमें से कोई ख़राब है तो इसको भी बदल दीजिए, तो आपका ये फॉल्ट आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी, कभी कभार हमारी क्या होता है कि वॉइस में प्रॉब्लम आती है, सब चीज़ हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारी सब चीज़ ठीक होती है, उसके बाद भी हमारी वॉइस की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। उसमें क्या करना है, उस हालत में क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम है उसको चेक करना है, वॉल्यूम को चेक करना है। वॉल्यूम से अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो वॉल्यूम ख़राब हो जाता है, या तार हट जाता है कुछ, तो उस वायर हट जाता है, तो उस तरीके से हमारे जो साउंड है वो नहीं आता है एक चैनल में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपका ट्रांसफार्म बीच, पहले आपको वोल्टेज भी चेक कर लेनी है। यह मोटा मोटा कुछ रिपेयरिंग का इशू था, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वायरिंग सीखनी है इसकी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ पुराने बोर्ड हैं, इसको मैंने रिपेयर किया था, इस वाले बोर्ड को मैंने रिपेयर कर दिया पूरा, ये टोटल रिपेयर है। तो इसमें क्या कमी आ रही थी, इसमें पूरे मतलब ये पूरा ख़राब हो गया था बोर्ड। तो इसको मैंने देखा, सारी चीज़ इसमें ओके थी फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर ये अपना प्रिंट टूटा हुआ था, तो इसको प्रिंट को जोड़ने के बाद ये एकदम ओके हो गया बोर्ड, और फ्रेंड्स एकदम चल गया ये बोर्ड। और फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो इसी पर ही ला दूंगा पूरी फुल डिटेल के साथ। ये मोटी मोटी इसमें नॉलेज थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय, टेक केयर।